हमीरपुर जिले के मौधा कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें कई स्कूलों के बच्चे शामिल थे। तो वहीं ऊंट और घोड़ों सहित तमाम झांकियां भी इस यात्रा में शामिल थीं, जिसमें भारत माता के चित्र भी शामिल किए गए और सैकड़ों बच्चों के हाथों में एक बड़ा सा तिरंगा ध्वज भी साथ चल रहा था, जो इस यात्रा की कुछ अलग ही शोभा बढ़ा रहा था। और तिरंगा यात्रा की जिला सह संयोजक ज्योत्सना सिंह का कहना है कि यह यात्रा किसी जाति विशेष या किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह देश समाज और राष्ट्र हित का कार्यक्रम है, बल्कि यह कार्यक्रम राष्ट्र के प्रति प्रेम को दर्शाता है। आज ये जो तिरंगा जो हमारा आज हमारे देश में हम लोग जो ये 75वीं आज़ादी स्वतंत्रता महोत्सव जो मना रहे हैं, आज़ादी की जो वर्षगांठ मना रहे हैं 75 वर्ष की, इसी में हम लोगों को ये किसी जाति धर्म समुदाय राष्ट्र मतलब किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं, ये एक देश समाज राष्ट्र हित का कार्यक्रम है। ये हम लोगों की प्रेम एकता और राष्ट्रीयता का सम्मान होता है कि हमारे समाज में हमारे देश में हमारे भाव हमारी श्रद्धा कैसी है। और आज हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत प्रयास किया है कि मातृशक्तियों के द्वारा और सारे भाइयों के द्वारा कि समाज में एक संदेश जाए कि हम जिस राष्ट्र और जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, उन कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।